सकता है। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक, निर्माण कार्यों में हुई समीक्षा बैठक, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक। देहरादून में पशुपालन निदेशालय में समीक्षा बैठक, महत्वपूर्ण विषयों पर की गई समीक्षा, पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने की कार्य की समीक्षा। उत्तराखंड कांग्रेस महिला दलित उत्पीड़न मुद्दे पर ब्लॉक स्तर तक करेगी संघर्ष, 16 से शुरू होगा दौरा, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन। उत्तराखंड में श्रीनगर गढ़वाल में नगर निगम बनने की तैयारी, 9 नए निकायों को भी बनेंगे शासकीय प्रवक्ता, मदन कौशिक ने दी जानकारी। वायरल ऑडियो मामले में विधायक चैंपियन के खिलाफ तहरीर, धमकी देने और अशब्द कहने के आरोप में चैंपियन के खिलाफ दी गई मामले की सिफारिश। छुटने से पहले रोमांच को भर ले बाहों में, पर्यटकों को खासी पसंद आ रहा रिवर राफ्टिंग, 2 सप्ताह रिवर राफ्टिंग के लिए बेहद खास। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की प्रगति न केवल देशी विदेशी पर्यटकों को भी लुभाती है, बल्कि अब यहाँ की गुफाएं सोना उगल रही हैं। यहाँ पत्थर की प्रगति गुफाओं से कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटकों को राजस्व कमाने का जरिया बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल के ये प्राकृतिक गुफाएं इन दिनों राज्य सरकार के लिए सोना उगलने का काम कर रही हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम में आए एक होनहार अफसर ने इन प्राकृतिक गुफाओं को बनवाकर जैसे इनका भाग्य ही बदल दिया हो। अब ये गुफाएं पर्यटकों की आवाजाही के बाद निगम के लिए राजस्व कमा रही हैं। गुफाओं में प्रवेश के लिए बच्चों से 10 रुपया व बड़ों के लिए 30 रुपया लिया जाता है। मंडल ने इनमें 6 गुफाओं को तैयार किया है, जिनको शेर, पैंथर, पॉक्यूपाइन, फ्लाइंग फॉक्स, एप्स इत्यादि नाम दिए गए हैं। विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार सीजन में यहाँ हर रोज लगभग 1000 पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नैनीताल के केव गार्डन की, जहाँ रोमांच की अनुभूति करने पर्यटक इन गुफाओं के दीदार करने पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचे कुछ पर्यटकों से जब हमने बात की तो उन्होंने यहाँ घूमने के बाद खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने पहली बार इस तरह की गुफाओं में प्रवेश किया। डर लगने के साथ ही एडवेंचर का भी अनुभव हो रहा है। लॉकडाउन के बाद नैनीताल पहुंचे पर्यटक इन प्राकृतिक गुफाओं के अंदर जाकर प्राचीन पत्थरों की गुफाओं का आनंद लेने के साथ ही इको केव गार्डन में लगे बुल राइडिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा है, एक तरह से मतलब हम दूसरी बार आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा एडवेंचर प्लेस है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बच्चों के साथ घूमकर। मैं उम्मीद करूंगी कि जो भी बंदा है यहाँ पर दोबारा आए नैनीताल में घूमने के लिए, केव का एंजॉय करे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के। गुफाएं बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा सा बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है, ठंडी हवा, डर लग रहा है थोड़ा सा। नहीं, कभी नहीं घूमे, हम पहली बार यहाँ पे आए। सब कुछ अच्छा, सबको एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं सब। बहुत ही अच्छी गुफाएं हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हम तो फिर से आना चाहेंगे, यहाँ घूमना चाहेंगे और सबको भी बताएंगे कि यहाँ आओ, नैनीताल घूम के जाओ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह की गुफाएं आपने पहले कभी देखी या कभी गई हैं? नहीं नहीं, इस तरह की तो हम लोग कभी अब तक नहीं गए हैं। गए तो बहुत जगह हैं, पर यहाँ आकर कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। यही है कि सभी आए और इस जगह का लुत्फ उठाए। बहरहाल उत्तराखंड की प्रकृति न केवल देश विदेशी पर्यटकों को लुभाती रही है, बल्कि अब यहाँ गुफाएं सोना उगल रही हैं। यहाँ पत्थर की प्राकृतिक गुफाओं से कुमाऊं मंडल विकास निगम पर्यटकों से राजस्व कमाने का जरिया बनी हुई है। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से रोष में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य महिला बाल संरक्षण आयोग के सामने जमकर हल्ला काटा, जिसको देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनात रही और साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने मां गंगा का अपमान किया है, जिसको आम आदमी पार्टी सहन नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर झूठे मुकदमे करने का भी आरोप लगाया। की तरफ से हमको एक नोटिस सर्व किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हमने जो गंगा का मुद्दा उठाया था, जिसमें आज से 4 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि वो गंगा का नाम बदलेंगे,
जो कि पहले एस्केप कैनाल कर देखा, दोबारा से उसको गंगा का सम्मान लौटाएंगे और उसका नाम दोबारा से गंगा रखेंगे। लेकिन पिछले 4 सालों से त्रिवेंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, उसको लेके हमने एक जन जागरण का प्रोग्राम जनता के बीच में लेके गए थे। और संख्या में लोग हैं क्या ये देखिए, जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत आम आदमी पार्टी को दबाने का कोशिश कर रही है, ये इसकी तानाशाही नहीं चलेगी। हमने यहाँ आके जब देखा तो बाल योग में हमें आज डेट दी गई और यहाँ कोई है ही नहीं। इसका मतलब हमें ये दूर दूर से प्रभारी जी दिल्ली से आए, मैं मतलब नैनीताल से आया हूँ, हमें ये एक तरीके का ये हमें परेशान करने वाली बात कर रहे हैं। देहरादून में युवा कांग्रेस द्वारा जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और इस दौरान जिला अध्यक्ष भूपेश नेगी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान भूपेंद्र नेगी का कहना है कि नगर निगम चुनाव में होने से पहले सरकार द्वारा वादा किया गया था कि नगर निगम में सम्मिलित किए गए नए 40 वार्डों से व्यावसायिक भवन टैक्स नहीं लिया जाएगा, बावजूद इसके सरकार द्वारा भवनों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया न कराने हेतु और बावजूद टैक्स वसूला जा रहा है, जिसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड से बीजेपी के नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने के न्यूज से बातचीत में क्या कहा कि उत्तराखंड में विकास में डबल इंजन का असर दिख रहा है। कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, अब जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है। और उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और पार्टी पूरी तरह एकजुट है। उत्तराखंड से नव निर्वाचित सांसद नरेश बंसल हमारे साथ हैं। सर, निर्विरोध राज्यसभा के लिए आप चुने गए, खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य होने के बावजूद तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। उत्तराखंड में जो कि आंदोलन के फलस्वरूप उत्तराखंड बना है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड दिया, वाजपेयी जी का एक सपना था कि उत्तराखंड एक विकसित राज्य बने और भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है कि छोटे राज्य विकसित होते हैं और तभी से सारी तमाम चीजें उत्तराखंड के विकास के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज देना, एम्स देना और उसके बाद मोदी जी ने ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, ये सब बुनियादी चीजें हैं जो विकास के लिए आवश्यक हैं, जिससे रोजगार भी सृजन होता है और युवा शक्ति का उपयोग राज्य के हित में होता है। तो ऐसी सब चीजों को और अधिक तेजी के साथ उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार मिले, उत्तराखंड एक हेल्थ वेलनेस सेंटर बने, उत्तराखंड में का जो जल और जवानी है उस दोनों का राज्य के हित में उपयोग हो, नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं दी हैं, वह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुद्रा लोन है, गांव-गांव में शौचालय है। आपको लगता है डबल इंजन का असर दिख रहा है उत्तराखंड में, जिस डबल इंजन की बात होती है? जो उत्तराखंड में विकास हो रहा है वो डबल इंजन के कारण ही हो रहा है। मोदी जी की का उत्तराखंड से लगाओ, उत्तराखंड को बड़ी बड़ी योजनाएं देना और त्रिवेंद्र रावत का जीरो टॉलरेंस की सरकार होना, ईमानदारी मेहनत के साथ काम करना, उसको वो उसका विकास दिखाई पड़ता है। जीरो टॉलरेंस की आपने बात की, रिसेंटली मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप लगे, तमाम विधायक कहे जाते हैं, सांसद कहे जाते हैं, जो मुख्यमंत्री से लगातार नाराज चल रहे हैं, मीडिया में लगातार खबरें, और खुद हम अगर वैसे बात करें तो तमाम विधायकों ने इस बात की पुष्टि की। नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, पर सब चीज सबकी इच्छा के अनुसार हो ये भी संभव नहीं होता। कभी कभी कई बार होता है कि इच्छा के अनुकूल कोई चीज नहीं होती तो थोड़ी बहुत देर के लिए होती है, मन में कष्ट भी होता है किसी का, क्योंकि जनहित के सब लोग जनहित के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कहीं पर कोई नाराजगी नहीं है, डबल इंजन की सरकार। आप देखिए 3.5 साल में जो सचिवालय दलालों का अड्डा हुआ करता था, वहां पर किसी की घुसने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा जी, लेकिन एक और बात है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, मैंने पहले ही बोला कि छोटा राज्य काफी क्रिटिकल पोजिशन होती है,
राजनीति महत्वाकांक्षा बोले या कुछ भी, हर सरकार में विद्रोह दिखता है, चाहे हरीश रावत का कार्यकाल रहा हो या त्रिवेंद्र सिंह जी। यही देखिए अंतर है, हरीश रावत जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार लोगों ने देखा है किस प्रकार का भ्रष्टाचार था। मुख्यमंत्री स्वयं कहते देखे गए कि मैं आंखें मूंद लूंगा, टॉप अप करके दूंगा, कितना ही कमा लो। तो इस तरह की सरकार थी, सबने देखा है कितने प्रकार का भ्रष्टाचार। लेकिन 3.5 साल की सरकार में त्रिवेंद्र रावत ने भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालने का काम किया है। बीजेपी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार घोटाला नहीं हुआ। तो ये थे नरेश बंसल जो साफ तौर कह रहे थे कि डबल इंजन का असर जिस विकास की बात बीजेपी करती है उसका असर उत्तराखंड में दिख रहा है और वो इसे और ज्यादा आगे ले जाएंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज दिल्ली। खबर डोईवाला से है जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 नवंबर को 10:30 बजे राज्य के सभी 105 डिग्री कॉलेजों और 5 विश्वविद्यालयों को वाईफाई से जोड़ने की शुरुआत करेंगे। वहीं डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय के कार्यक्रम में आयोजन किया जाएगा। वहीं 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने की सरकार की पहल छात्र छात्राओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी शिरकत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे महाविद्यालयों के 105 महाविद्यालय और 5 विश्वविद्यालयों के लिए 4G कनेक्टिविटी का शुभारंभ कराया जा रहा है। इससे हमारे छात्रों को तीव्रता से नेट की सुविधा प्राप्त होगी, पुस्तकालयों में आसानी से पुस्तकों का डाउनलोडिंग कर सकते हैं तथा अन्य जो वेबसाइट्स हैं हमारे एनलिस्ट है, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, इन सब से आसानी से वे अपने शिक्षण सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। लालकुआ कोतवाली के निरीक्षण करने पहुंचे CO बलजीत सिंह भकुनी ने गहराई से लालकुआ कोतवाली का निरीक्षण किया और दरोगा और सिपाही द्वारा सलामी देने के बाद वह कोतवाली के विभिन्न कमरों का निरीक्षण करने लगे। इस दौरान छोटी मोटी खामियों को देखने को मिली। उन्होंने इस खामियों को समाधान करने की बात कही और उच्च अधिकारियों को इस खामियों के बारे में गहनता से अवगत कराने की बात रखी है। सभी थानों का जो भी हमारे नियंत्रण थाने रहते हैं उनका अर्धवार्षिक मुआयना 6-6 महीने के पीरियड में होता है। तो पिछले 6 महीने का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। 6 महीने में हमारे यहाँ जितने भी रजिस्टर बनाए जाते हैं, जितने अपराधों का पंजीकृत किया जाता है, संबंधित अभिलेखों में दर्ज है या नहीं है, और राइफल असला की क्या स्थिति है, और बिल्डिंग की क्या स्थिति है, रखरखाव कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है, इन सब बातों का निरीक्षण किया है। और जो कंडम हैं या बेकार हैं उसको क्या कहते हैं डिस्पोजल करने के लिए आदेश दिए जाते हैं। कुछ कमियां पाई गई क्या, सब कुछ ठीक ठाक नहीं? अभी तक निरीक्षण चल रहा है। अभी डोईवाला में लंबे समय के बाद खुले स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज बुलवावाला में छात्र छात्राओं से मुलाकात करने पहुंची माजरी ग्रांट की जिला पंचायत सदस्य टीना सिंह ने स्कूली बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ ही सभी बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर देकर उनसे अपील की है कि जब तक महामारी की वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक सावधानी बरतने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनने ताकि कोरोना से बचा जा सके। इस अवसर पर टीना सिंह के साथ डोईवाला के आज़ाद ग्रुप ने भी मास्क और सैनिटाइजर स्कूली बच्चों के साथ स्कूल स्टाफ को भी मास्क सैनिटाइजर बांटे। अभी कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये चल ही रहा है, तो इस कारण हम स्कूल में आए हैं, स्कूल खुल गए हैं, तो हम बच्चों की सुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं जिससे कोरोना वायरस को थोड़ा कम किया जा सके। बच्चों में जागरूकता भी हम फैलाना चाहते हैं, जितना हम मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। माननीय जिला पंचायत सदस्य श्रीमती टीना सिंह के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है और साथ में इसके साथ जो आज़ाद ग्रुप है स्टूडेंट का जो है, तो उनके द्वारा ये बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है। हमारे बच्चे चूँकि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये गरीब हैं, इन बच्चों के पास मास्क के लिए व्यवस्था नहीं थी परंतु हम लोगों ने की। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा बड़ी हुई फीस ना जमा करने पर मुख्य परीक्षा में छात्रों को बैठने से रोके जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए उन्हें बची हुई मुख्य परीक्षा में बैठने का आदेश जारी किए हैं। बता दें कि दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा एक आदेश जारी कर BMS के छात्रों के विरुद्ध विद्यार्थियों ने याचिका दायर की थी, जिसमें पूर्व में उच्च न्यायालय ने अपील प्राधिकरण ने आदेशों को असंवैधानिक ठहराते हुए रोक लगा दी थी, लेकिन परंतु महाविद्यालय ने इस आदेशों के ताक पर रखते हुए विद्यार्थियों से बढ़ा हुआ शुल्क वसूलता रहा एवं जिन छात्रों ने इसका विरोध किया उनको पूरक एवं मध्य परीक्षा में रोक लगा दी। कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों को पूरक एवं मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए महाविद्यालयों ने विद्यार्थियों को अक्टूबर 2020 की मुख्य परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया है। जिस ऑर्डर पर 80,000 से 2,15,000 एनहेंस करते हुए वाले ऑर्डर पर 27 फरवरी 2020 में स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, तब भी कॉलेज की ओर से बच्चों को प्रेशराइज करा गया कि ये फीस दें, और 15 अक्टूबर के एक आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा और फीस 2,15,000 न देने के बहाने इनको परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया कि सबसे पहले मेट्रो की समीक्षा की गई, जिस पर हरिद्वार में हरकी पौड़ी के पास से चंडी देवी के लिए रोपवे की हरी झंडी दी गई है। वहीं दूसरी ओर नीलकंठ और ऋषिकेश के बीच रोपवे निर्माण कार्य के लिए पूरा प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। खत्म नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी मोर, मतलब क्या करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर क्या करेंगे, स्थगित करेंगे, खत्म करेंगे मेजॉरिटी के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो की समीक्षा की है। उस समीक्षा में जो हरिद्वार में हरकी पौड़ी के पास से और चंडी देवी तक रोपवे का निर्माण था उसको हरी झंडी दे दी है और उसको तत्काल टेंडर प्रक्रिया में जाने के निर्देश दिए गए हैं। खबर देहरादून से, जहां आज पशुपालन निदेशालय पशुपालन मत्स्य विभाग के सचिव निदेशक और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने कार्य की समीक्षा की। वहीं मीडिया से बातचीत रेखा आर्या ने बताया कि विभाग में नियुक्तियों, स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम, विभाग का आउटकम एवं उसका आकलन, पशु बीमा, पशु टैगिंग आदि तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा की गई। साथ ही संपूर्ण प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको सुचारू एवं द्रुत गति से चलाने की योजनाएं बनाई गई हैं। तो आपका टोटल ये कितने होते हैं पूरे प्रदेश में? पूरे 7 लाख। आपको जो है 30 तारीख को जो है हमारे विभाग का प्रेजेंटेशन होना था माननीय मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी वो बैठक लेने वाले हैं, तो उसी की पूर्वत एक तैयारी जिसमें हमारे विभाग द्वारा जो हमारा पशुपालन है उसके द्वारा आखिरकार क्या क्या चीज़ें जो है वो की जा रही हैं पशुओं के संदर्भ में, चाहे उनका इंश्योरेंस हो, चाहे उनकी टैगिंग का विषय हो, चाहे उनका AI करने के संदर्भ में हो। तो आखिरकार हमारी जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें क्या प्रगति अब तक में आ पाई है और हम कितना अचीव कर पाए हैं उसी को देखा गया है। रुद्रपुर पहुंचा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बीजेपी के जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से वार्ता करते हुए कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन और पूर्व CM विजय बहुगुणा मामले में प्रशिक्षण कर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो आएगा उसके लिए हिसाब से प्रणब और महिला नेत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वापसी मैंने नहीं करी थी, उन्होंने लिखित माफीनामा मांगा था और ये कहा था कि मेरा पहाड़ से बहुत रिश्ता है, आपके बिरादरी के लोगों के बीच में ही वो बोले थे और पिछले काफ़ी समय से उनके व्यवहार में भी अंतर आया था। परसों कुछ घटना हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, तो मैंने पार्टी के अपने पदाधिकारियों को कहा है इसको संज्ञान में लें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए KNews India। नमस्कार।